और जब हमने जिक्र छेड़ ही दिया है एनाटॉमी ऑफ स्कैल्प का, तो हम बात करेंगे आज अपनी बालों की मजबूती की, अपनी बालों की नींव की। हाँ, एक बात तो शेयर करना भूल ही गई, मैं कितने टाइम से सोच रही थी कि एक बहुत ही प्यारी शायरी मेरे हाथ लगी है। वो शायरी ऐसे है कि आजकल बालों का हाल भी दिल की तरह हो गया है, आजकल बालों का हाल भी दिल की तरह हो गया है, जहां देखो वहां टूटे हुए नजर आते हैं। वाह, इतनी ऑथेंटिक शायरी मैंने आज तक नहीं सुनी। सीरियसली, दिल के टूटने का, फिक्स करने का इलाज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, आई कैन बेट बालों को फिक्स करने का इलाज मेरे पास है। मैं आपके बालों को फिक्स कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? जब आप मेरा साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा बोलना ही काफ़ी है आपकी सारी सुंदरता को एनहांस करने के लिए, नहीं, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे हम वो मेहनत? सबसे पहले आप अपनी स्कैल्प की स्किन को समझिए। ये स्किन सबसे ज़्यादा थिक होती है हमारी ऑल ओवर बॉडी से लेकर। इस स्किन में भी हमारी उतनी ही लेयर्स होती हैं जितने हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स में होती हैं। इस स्किन को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जैसे हमारी बॉडी को विंटर में बॉडी लोशन की ज़रूरत होती है। लेकिन हम अपने फेस को तो बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, हम अपने हाथों को, पैरों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि हमें फ्लॉन्ट करना होता है कभी शॉर्ट ड्रेसेस में, कभी ट्रेडिशनल्स में, कभी साड़ीज में, तो वी शुड लुक गॉर्जियस ना। और स्किन अगर हेल्दी होती है ना, तो आपकी स्किन का कलर कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने बालों की जब भी बात आती है, हम पार्लर जाते हैं, 10 मिनट का वहाँ से ट्रीटमेंट लेके आते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे बाल बहुत अच्छे हो गए। नहीं दोस्तों, आप स्कैल्प की स्किन को ऐसे मत छोड़िए। अगर आपने अपनी स्कैल्प की स्किन पे ध्यान नहीं दिया, आप कुछ भी कर लें, कैसा भी प्रोडक्ट यूज़ कर लें, कोई भी ट्रीटमेंट करवा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके बाल टूटते हुए नजर आएंगे, कभी फ्लोर पे, कभी टाल पे, कभी खाने में, और कितनी वियर्ड सिचुएशन हो जाती है। अब बात करेंगे स्कैल्प की स्किन का न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सिर्फ एक फर्टिलाइज़र से मिल सकता है, और इसका मेन फर्टिलाइज़र है एक ऑर्गेनिक एंड ऑथेंटिक हेयर ऑयल। पता है, कल की जो सीरीज थी, कल का जो टॉपिक था हेयर का, उसमें मेरे साथ बहुत सारे कमेंट्स आए, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी टाइम टू टाइम, कि हम अपने हेयर की डेंसिटी कैसे बढ़ाएं, हम अपने हेयर को हेल्दी कैसे बनाएं, हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। मैं किसी प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, बट यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं और हम उसको परचेज कर लेते हैं। क्यों करते हैं हम? हमारे स्कैल्प सबकी स्कैल्प से डिफरेंट है। हमारे स्कैल्प को हो सकता है कि ड्राइनेस है, या हमारा स्कैल्प ऑयली है, कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, कैसे जाएगा, स्किन पे हमारे कैसे वर्क करेगा, वो हमारी रूट्स को कैसे स्ट्रेंथन करेगा, इन सब बातों पे ना हम आने वाले टॉक्स में बहुत वाइडली चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा स्कैल्प की स्किन पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपने स्कैल्प को हेल्दी कैसे कर सकते हैं, तो उसका मतलब भी यही है कि स्कैल्प की स्किन को हेल्दी कैसे कर सकते हैं। हम आगे जितनी भी चर्चाएं करेंगे, कल से जो टॉपिक शुरू होगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स के साथ आप जा सकते हैं, आप अपने टिश्यूज को कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने फॉलिकल्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी वाइडली चर्चा हम लेके आएंगे इन द एनाटॉमी ऑफ स्कैल्प। बने रहिए मेरे साथ मेरे पेज पर, यहीं इसी वक्त। स्टे ट्यून्ड हेयर विद टकेश, इट्स ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन।